हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विदिस कुकिंग। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ सबवे सैंडविच के बन, और वो भी बहुत ही इजी तरीके से। मैं आपको कढ़ाई में भी बताऊँगी गैस पे, और माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और इस रेसिपी से आप उतने ही सॉफ्ट जालीदार स्पॉन्जी हमारे बन बनेंगे जितने बाज़ार में बहुत ही ईजीली अवेलेबल होते हैं। पर घर के बन की तो बात ही कुछ और है। और ये देखिए, इसका टेक्सचर, सॉफ्टनेस और टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा आता है। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल में मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून शुगर, और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून यीस्ट। ये एक्टिव ड्राई यीस्ट बहुत ही इजीली जो मार्केट में अवेलेबल है वही मैंने ली है, तो वो ले लूँगी 2 टीस्पून। और उसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप वार्म वाटर। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना पानी होना चाहिए, उतना मैं ले लूँगी 1/2 कप। और उसको अच्छे से एक बार मिक्स करके ढक करके हम 10 से 15 मिनट यीस्ट को एक्टिव करने के लिए रख देंगे साइड में या कोई गर्म जगह पर। और 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरी यीस्ट बहुत ही अच्छे से एक्टिव हो चुकी है। आप देखिए बहुत ही अच्छे से बबल्स आ चुके हैं। मैं इसमें एक छलनी ले लूँगी, और छलनी में मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा, तो यहाँ पे मैं 2 कप मैदा ले लूँगी। और उसमें मैं डाल रही हूँ नमक, यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून नमक ले लूँगी, और इनको बहुत ही अच्छे से हम छान लेंगे। और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको मैं हाथों से हल्के हल्के से मिक्स करती जाऊंगी। और इसमें हम कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए दूध का इस्तेमाल करेंगे, तो मिल्क हम लेंगे वार्म, वो भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, हल्का सा वार्म मिल्क यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 कप, बट पूरा 1/2 कप नहीं लगेगा। मैं धीरे धीरे उसमें मिल्क ऐड करती जाऊँगी। यहाँ पे मैंने 1/2 कप मिल्क लिया था, उसमें से करीब 1 टेबल स्पून के करीब मिल्क बच गया है, और उसी में मेरा एक स्टिकी डो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही स्टिकी बना है, और ऐसा ही डो होना चाहिए। और इसको हम और अब मैं इसमें डाली 2 टेबल स्पून ऑयल। आप चाहें तो इसी तरह से बाउल में ऑयल लगा करके इसको अच्छे से नीड कर सकते हैं कम से कम 5 से 7 मिनट, ताकि हमारा जो आटा ये इतना स्टिकी है वो स्टिकी ना रहे और एकदम स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाए। पर मैं यहाँ पे इसको ले लूँगी किचन प्लेटफॉर्म पे, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तेल इसमें ऐड करती जाऊँगी, और इसको स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से नीड करती जाऊंगी, ताकि जो हमारा जो आटा है बहुत ही अभी स्टिकी है वो एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी और नॉन स्टिकी हो जाएगा। और जो हम इस तरह से खींच रहे हैं तो स्ट्रेच नहीं हो रहा है, वो बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच भी होने लग जाएगा। तो इसमें करीब 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लग जाएगा। आप चाहें तो ऑयल की जगह पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड की हेल्प से हम आटे को एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ बना लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने आटे को कम से कम 4 से 5 मिनट बहुत ही अच्छे से मसल लिया था, नीड कर लिया था, तो उसकी वजह से हमारा आटा एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी हो चुका है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल भी मेरे हाथ पे या नीचे सरफेस पे स्टिक नहीं हो रहा है, और मैं बहुत ही ईजिली इसको नीड कर सकती हूँ, आप देख सकते हैं। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे इसको पुश कर रही हूँ, ये अच्छे से बैक वापस आ रहा है बाउंस होके, तो ये हमारा आटा परफेक्टली रेडी हो चुका है। तो इसको मैं रख दूँगी सेम बाउल में जिसमें हमने आटा लगाया था। तो बाउल में मैं लगा लूँगी ऑयल, और ऑयल हम पूरा ऊपर तक लगाएंगे बाउल में, ताकि हमारा जो आटा है जब राइस होगा तो बाउल पर चिपके नहीं, बहुत ही आसानी से निकल आए। और यहाँ पर आटे को मैं इस तरह से डो को नीचे की तरफ पुश करके टक करके इसको तरह से बाउल में रख करके इसको भी हल्का सा ऑयल लगा दूंगी, ताकि हमारा जो डो है वो ड्राई नहीं हो रेस्टिंग टाइम में। और इसको हम ढक करके कोई गर्म जगह पे 1.5 से 2 घंटा रख देंगे प्रूफ होने के लिए। 1.5 घंटा हो चुका है, और यहाँ पे मेरा जो आटा है, डो है, वो परफेक्टली राइस हो चुका है डबल साइज में। तो अब हम हाथ पे लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल, और मैं इसको कर लूँगी पंच, और इसको हम किचन सरफेस पे ले लेंगे। तो किचन सरफेस पे लेने से पहले मैं यहाँ पे किचन सरफेस पे थोड़ा सा आटा डस्ट कर रही हूँ, मैदा ही, और इस डो को हम ले लेंगे किचन सरफेस पे, और इसको बहुत ज़्यादा नीड नहीं करना है, बस हल्का सा मिक्स ही करना है।
तो इस तरह से मैं डो को हल्का सा इस जो हमने आटा डस्ट किया था उसमें हल्के से इस तरह से नीड कर लूँगी फॉर 1 मिनट। और आटा हमारा अच्छे से नीड हो जाने के बाद में अब मैं इसमें से बना रही हूँ 4 बंस। तो आप चाहें उतने बड़े या छोटे के हिसाब से आप कट कर सकते हैं। तो इतने में से मेरे 4 बंस बन जाएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे नाइफ़ पे लगा रही हूँ हल्का सा मैदा, ताकि हमारा जो डो है वो नाइफ़ पे चिपके नहीं और बहुत ही अच्छे से हम डो को कट कर सकें। तो यहाँ पे मैं इक्वल साइज़ के 4 पीसेस कट कर लूँगी डो के, कुछ इस तरह से, ताकि हमारे जो बंस हैं वो सारे एक ही साइज़ के बने। अब यहाँ पे एक पोर्शन डो का ले लेंगे, थोड़ा सा आटा और डस्ट करेंगे और आटे को हम हाथों से इस तरह से हल्के हल्के हाथों से फैला देंगे और इसको हम करेंगे रोल। ये रोलिंग का स्टेप है, ये ज़रूर से करिए, इसी से बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर आता है। ये देखिए, इस तरह से रोल करने के बाद में जहाँ से हमने रोल किया था उसको बहुत ही अच्छे से हमें सील करना है, वरना हमारा बन बिल्कुल भी बाजार जैसा नहीं आएगा और पूरा ओपन हो जाएगा और बीच में से कैविटीज़ बन जाएगी। और यहाँ पे साइड से आप ज़रूर से इसको बहुत ही अच्छे से प्रेस करिए, वरना साइड से होल हो जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छा बन नहीं बनेगा। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से सब जगह से सील करने के बाद में हल्का सा हम रोल कर देंगे, तो हमारा ये बन रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मल केक टिन रहता है उसी में मैं ले रही हूँ एल्यूमिनियम फॉइल, और एल्यूमिनियम फॉइल को मैं इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करके इस तरह से उसकी कैविटीज़ बना रही हूँ, ताकि हमारे जो रोल है वो जब प्रूफ होंगे तो उसका शेप ख़राब नहीं हो और इसको एक प्रॉपर शेप मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने जो 2 बंस के लिए रोल बना करके रखे थे वो मैं इसमें रख दूँगी और इसको हम ढक करके फिर से प्रूफिंग के लिए रख देंगे कम से कम 1/2 आवर, या इसके साइज़ में डबल नहीं हो जाता तब तक। और यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ कि कढ़ाई में भी कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक स्टील की प्लेट पे मैंने लगा लिया एल्यूमिनियम फॉइल और हम प्रूफ करने के लिए भी रोल को उसी में रखेंगे, ताकि हमको फिर से इसको उठाना ना पड़े। तो इसको भी मैं ढक करके 1/2 घंटे के लिए प्रूफ करने रख दूँगी। अब हम माइक्रोवेव को प्रीहीट करने रख देंगे। तो यहाँ पे मैं कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट्स के लिए इसको प्रीहीट करने रख देती हूँ। और ये देखिए, हमारे जो बन थे जो इसको प्रूफ करने के लिए रखे थे वो बहुत ही अच्छे से साइज़ में डबल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से शेप भी मेंटेन किया हुआ है। तो अब हम बाज़ार में मिलते हैं बिल्कुल उस टेक्सचर का बनाने के लिए। इस पर इस तरह से कट्स लगा देंगे, बहुत ही हल्के से हमें कट्स लगाना है, सिर्फ ऊपर ऊपर की तरफ से, बिल्कुल भी डीप कर्व नहीं लगाना है। और इस तरह से कट लगाने के बाद में मैं इसमें अप्लाई कर लूँगी मिल्क। तो यहाँ पे मैं ब्रश की हेल्प से मिल्क अप्लाई कर लूँगी दोनों ही बंस पे, ताकि जब हमारा बन जब कुक होगा तो वो ऊपर से बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट बनेगा। तो इस तरह से मैं ब्रश पे मिल्क लगा करके इसको बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर लूँगी दोनों बंस पे। और यहाँ पे जो हमने प्लेट में रखा था कढ़ाई के लिए उसमें भी सेम तरीके से मैं कट लगा लूँगी और इस पर भी मैं मिल्क अप्लाई कर लूँगी ब्रश से, ताकि ये भी जब कुक हो तो ऊपर से ड्राई ना हो बन। तो इसको भी मैं ब्रश से हल्के हाथों से मिल्क अप्लाई कर लूँगी। और अब यहाँ पे माइक्रोवेव हो चुका है प्रीहीट। तो यहाँ पे ग्रिलिंग स्टैंड के ऊपर मैं एक टिन रख दूँगी और कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री सेल्सियस पे मैं इसको कुक करने रख दूँगी 20 मिनट के लिए। आप 20 मिनट के बाद में एक बार चेक कर लीजिए, अगर कच्चा है तो आप थोड़ा 5 मिनट और भी रख सकते हैं। मेरा 20 मिनट में परफेक्टली रेडी हो चुके थे। और यहाँ पर मैंने
और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में नमक डाल के उसको भी प्रीहीट करने रख दिया था ऑलरेडी मीडियम फ्लेम पे, तो वो भी प्रीहीट हो चुका है। तो हमने जो बन प्लेट में रखा था उसको मैं रख दूँगी और कि मीडियम फ्लेम पे 20 से 30 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और 20 मिनट्स के बाद में हमारे माइक्रोवेव में जो कन्वेक्शन मोड में बंद थे वो परफेक्टली कुक हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। तो इस पे मैं अप्लाई कर रही हूँ बटर ताकि हमारे जो बन है वो बहुत ही अच्छे से शाइन करे और जो हल्का सा ड्राई दिख रहा है वो भी ना रहे, बटर से वो और सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाते हैं और उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छे से एनहांस हो जाता है। तो इसको मैं बहुत ही अच्छे से बटर अप्लाई कर लूँगी और इसको ठंडा होने दूँगी। जो यहाँ पे हमने कढ़ाई में बनाया था वो देखिए वो भी बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है, हल्का सा उसका ब्राउन कलर भी आ चुका है। तो इस पर भी मैं बटर अप्लाई कर दूंगी और इसको भी हम ठंडा करने रख देंगे। इजीली सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हमारे बन रेडी होते हैं, उसको मैं कट कर रही हूँ तो बहुत ईजीली कट भी हो रहे हैं और ये देखिए टेक्स्चर बिल्कुल बाजार जैसे एकदम जालीदार टेक्स्चर बनता है और बहुत ही सॉफ्ट रूई जैसे सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हमारे बर्न्स बनते हैं ये देखिए। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर हमारे घर पे भी सब्वे बन का बन सकता है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे जो कढ़ाई में बनाया था उसको भी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, कढ़ाई में भी आपको टेक्सचर सेम ही मिलेगा, हल्का सा कलर डिफरेंस आता है बाकी सेम टेक्सचर और बहुत ही अच्छे से कुक हो जाता है। अब देखिए ये भी बन एकदम जालीदार रुई जैसा ही बना है, बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी जैसा हमने माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड पर बनाया है और बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट बना है ये बन भी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आप चाहे तो माइक्रोवेव में या कन्वेक्शन मोड में या ओटीजी में या कढ़ाई में किसी में भी बना करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।